नमस्कार, मैं हूँ देवधर शास्त्री और आप देख रहे हैं फॉक्स किंग न्यूज। एक बड़ी खबर आ रही है गोंडा से कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी गोंडा पुलिस ने सम्मान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानती है। एक मामला भी गोंडा से आ रहा है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का सम्मान वहाँ के थाना प्रभारी ने नहीं किया, जबकि वहाँ के प्रार्थीगण शासन और प्रशासन में दर दर भटक रहे हैं। उनका सुनने वाला कोई नहीं है। ये मोहल्ला सकरा थाना करनैल गंजरा गोंडा की, जिसमें एक विवादित भूमि पर जबरदस्ती कुछ भूमाफिया लोगों ने मकान बना लिया। प्रार्थी मोहम्मद द्वारा जिला स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 9/13/19 को आदेश पारित किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया गया, परंतु स्थानीय दबंगों ने मिलकर थाने के लोगों के साथ वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया, परंतु उस गरीब व्यक्ति का सुनने वाला इस समय कोई नहीं है। पूरा परिवार दर दर भटक रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी रिपोर्ट। नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद इंतजार है, मोहल्ला सकरा पश्चिमी करनैलगंज जिला गोंडा में रहते हैं। और आपका किस चीज का विवाद? हमारे जमीन का विवाद है। मुकदमा हमारा दीवानी चला, वहाँ से हमारे दादा ने डिग्री हुई और उसके बाद मुकदमा वो पार्टी लेके भाग गई इसी हाईकोर्ट में 42 साल मुकदमा चला। उसके बाद मौजी में मुकदमा हमारा वहाँ से कुछ पैसों की लालच में देकर मुकदमा हमारा खारिज कराया गया। उसके बाद मौजी मामला हम लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 13/9/2019 में वो जो जमीन थी वो किसके नाम से अंकित है? जमीन हमारे दादा शाह मोहम्मद के नाम से थी। बरगनों की आज भी बरकरार है। हमारी बरगनों की लड़ाई थी, बरनों के आधार पर हमारी डिग्री दीवानी से हुई। उसके बाद मौजूद वो पार्टी मुकदमा लेके चले गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में 42 साल मुकदमा चला। उसके बाद मौजूद वो पार्टी कुछ रुपया दे लेकर के कुछ भी किया हमारा मुकदमा। दूसरी पार्टी का आप नाम बताना चाहेंगे? दूसरी पार्टी का नाम अब्दुल जलील है, पुत्र फकीर बकस है, और उनके दबंग लोग जो भाई बहन लड़के बच्चे हैं वो सब दबंग लोग हैं। उसके बाद मौजूद हमारे खतौनी खसरा पे शिव कुमार नेपाल पटवारी थे, रुपया के लालच पे उन्होंने हमारी नाम हमारे दादा हमारे काट दिया था दादा का नाम, और उस पर जमील का नाम आया। जैसे जमील के बाद शाह मोहम्मद के बाद फिर हमारे बाप का नाम आना चाहिए मोहम्मद जफर मोहम्मद हारून का, उनका नाम नहीं आया। वो विरोधी पार्टी हमारा या हमारे को सिजरे में नहीं आता है। जैसे ये जो मोहम्मद जमील हैं, ये आपके कोई रिश्तेदार या कोई लगे लगाए में कोई रिश्ते पड़ते हैं? नहीं, जमीन पता नहीं कैसे चढ़ गए। जमीन खाली, उनका ना नाम ना पता ना वल्दियत, खाली जमीन था खेतौनी पे। अच्छा, आपके बाबा जी जो थे शाह मोहम्मद जी, जी सर, उनके कितने पुत्र थे? उनके 2 पुत्र थे, मोहम्मद जफर मोहम्मद हारून जी। तो उन लोगों का जो जिस जमीन का विवाद चल रहा है उस खसरा में इनका नाम दर्ज है दोनों का कि नहीं दर्ज? नहीं चढ़ा। वो जो नेपाल ने पैसे के लालच में मोटी रकम लेके हमारे बाप जफर मोहम्मद हारून का नाम आना चाहिए उनके आउजी पे अब्दुल जलील का नाम उन्हें रुपया लेके चला दिया। मतलब ये अब्दुल जलील जो है आपके कोई न रिश्तेदार है ना कोई आपके सरकार में आते हैं, उसके बाद ये जमीन जो है ये अपने जबरदस्ती इन्होंने अपने नाम अंकित करवाया। जी सर। और ये बताइए दादाजी, आप अपना नाम पहले बताइए। मोहम्मद जफर। ये आपका कितने दिन से विवाद चल रहा है? उसके बाद में 79 में हमारे वाली साहब से डिग्री हो गई लोअर कोर्ट से। उसके बाद इन्होंने किया था वाली साहब ने गए वहाँ हाई कोर्ट से एक बार किया अपील किया, इन्होंने भी अपील किया, अभी उनका वहाँ पर 42 साल मुकदमा चला। सुनने में आया है कि 2019 में उस जमीन पर कुछ विवाद उपजा, उस पर दबंग पार्टी ने कब्जा किया जी, क्या ऐसा सही में सुनने में आ रहा? जी सर, 2019 में उन्होंने कब्जा किया और 13/9 में उसका सुप्रीम कोर्ट का स्टे हुआ। उसके बाद मौजूद इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद मौजूद इन्होंने कब्जा कर लिया, उसके बना लिया और हमने थाने पे इत्तला किया और चौकी इंचार्ज को मैंने बताया, एप्लीकेशन भेज दिया। उसके बाद 5 तारीख को फिर हमने 100 नंबर को भी डायल किया, 100 नंबर 2 मरतबा गई, वो पार्टी भाग गई। उसके बाद उन्होंने फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट का स्टे होने के बावजूद उन लोगों ने दबंग लोगों ने उस जमीन पर कब्जा किया। जी हाँ, 13/9/2019 में स्टे हुआ। उसके बाद इन्होंने 5 तारीख 10वें महीना में इन्होंने बना के कम्प्लीट कर लिया, उसको कब्जा
कर लिया सही ढंग से,